भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह ने नवादा से भरा अपना नामांकन। बीजेपी को हो सकती है मुश्किलें। गुंजन सिंह के नामांकन के दौरान एक बड़ा ही मजेदार खिस्सा हुआ, जो आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बीजेपी की टिकट की आस लिए बैठे गुंजन सिंह को झटका तब लगा जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद खफा गुंजन सिंह ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवादा से अपना नामांकन दर्ज करवाया। नामांकन दर्ज करवाने के लिए गुंजन सिंह मनीष कश्यप के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे थे। भोजपुरी सुपरस्टार फिल्म एक्टर व सिंगर गुंजन सिंह को भले ही किसी दल से चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला, मगर वो चुनावी मैदान में अपना दम दिखाने को तैयार हैं। गुरुवार को नवादा संग्रहालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया। उनके साथ यूट्यूबर मनीष कश्यप भी उनके साथ पहुंचे थे। आपको बता दें, गुंजन सिंह भोजपुरी सिनेमा के एक चर्चित चेहरा है और उनके नामांकन के साथ ही नवादा की राजनीति हलचल भी तेज हो गई है। भोजपुरी फिल्म स्टार गुंजन सिंह के नामांकन में उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। गुंजन सिंह ने अपने पैतृक गाँव गोविंदपुर प्रखंड के भगवानपुर से सीधा समर्थकों के साथ नवादा संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं नवादा का बेटा हूं और नवादा वासियों को नवादा के बेटे की जरूरत है और विकास और विश्वास के मुद्दे पर आम जनता के पास जाएंगे। हमें नवादा के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम ये चुनाव क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे। नामांकन करने पहुंचे गुंजन सिंह के साथ बड़ा ही एक मजाकिया वाक्य हुआ। गुंजन सिंह नामांकन स्थल पर मनीष कश्यप के साथ पहुंचे थे और इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर भी वहां अपना नामांकन दर्ज कराकर वापस आ रहे थे। विवेक ठाकुर को देखते ही मनीष कश्यप जाकर विवेक ठाकुर का पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यह देखकर गुंजन सिंह भी हैरान रह जाते हैं और कुछ देर पहले ही मनीष कश्यप ने कैमरे पर सरकार की नीतियों का विरोध भी किया था और तुरंत ही जाकर पैर छूने लग जाते हैं और फिर वापस से गुंजन सिंह के साथ आकर नॉमिनेशन के लिए चले जाते हैं। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना। बस कॉल करो 7352922383 पर। हर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। Ciao!